नमस्कार, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं द लॉलीपॉप्स। आज का युवा इतना बेबस और लाचार हो गया है कि वह अपने पथ से नियंत्रण भटकता ही चला जा रहा है, लेकिन जिस एक निष्कर्ष की तरफ वो तेजी से झुका है वो बॉलीवुड में नशे के बढ़ते साम्राज्य को साफ संकेत देती है। हालांकि जब फिल्मों की विषय वस्तु के बारे में दावा किया जाता है तो वह असल में समाज से प्रेरित होती है और सामाजिक वास्तविकताओं को ही दर्शाती है। ऐसे में जब आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री को नशे में लिप्त बताया जा रहा है, तब कोई उस साम्राज्य की ओर क्यों नहीं झांक रहा है जहां नशे की समस्या ज्यादा सबसे गंभीर दौर में है। वहीं इस दौर में नशे को लेकर किसी को बच्चा बुलाई जाए तो क्या कहेंगे आप। माना कि दुनिया आजकल ज्यादा ही मॉडर्न हो गई है, जहां बाप बेटे का सामने बैठ के पीना आम बात हो गया है, लेकिन क्या आप अपने बेटे को ड्रग्स लेने की सलाह देंगे। वहीं आपको बता दूं कि ड्रग्स को लेकर ही बॉलीवुड में आर्यन के पक्ष में दूसरा बयान सामने आया है। अब जरा क्या है पूरा मामला जानते हैं। खबर ये है कि आजकल लोग बड़े बड़े मुश्तंडों यानी कि 24 साल के मुश्तंडों को बच्चा बुलाया करते हैं। जी हाँ, यानी कि चर्सी लेने वाला मुश्तंडा एक बच्चा कहलाता है। अरे भाई, अब तक तो उसे सांस लेने साथ ही अपना पक्ष रखने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब तो उसे चर्सी को बच्चा कहा जा रहा है। अब भाई, हमारे घर में ऐसा हो या आप लोगों के घर में ही हो तो माँ बाप मार मार के सुथरा बना देंगे। वैसे देखा जाए तो हर माँ बाप के सामने उनका बच्चा बच्चा ही कहलाता है, लेकिन कहा जाता है कि जब बाप के पैर का जूता जब बच्चे के पैर में आने लगे तो वो बच्चा बच्चा नहीं रह जाता। वहीं आपका बच्चा किसी गलत संगति में आ जाए और वो किसी नशीले पदार्थ का सेवन करने लगे तो क्या आप तब भी उसे बच्चा कहेंगे। अब आम परिवार में अगर कोई बच्चा ऐसे कामों में पकड़ा जाता है तो उसे ना जाने कितना ट्रोल कर दिया जाता है। वहीं इस बारे में बहुत सारे सेलिब्रिटीज अलग अलग तरीके से अपने विचार रख रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों को बातें बनाने का पूरे तरीके से मौका मिल गया है और सब लोग शाहरुख और उनकी बीवी गौरी खान की पालन पोषण पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं फिल्म जगत से बहुत से लोग शाहरुख की तरफ से भी बोल रहे हैं। इस लिस्ट में अब ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान का नाम भी शामिल हो गया है। बता दें कि सुजैन ने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर करते हुए बोला कि आर्यन खान गलत वक्त पर गलत जगह पर थे, लोगों को बस बातें बनाने का अवसर मिल गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्यन एक अच्छा लड़का है और वे इस मौके पर शाहरुख खान और गौरी खान के संग खड़ी है। हालांकि शाहरुख के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस में नाम सामने आने के बाद कमेंट में आया था कि शाहरुख को पालन पोषण कैसी करनी चाहिए ये सीखना होगा। वहीं इसके सवाल के जवाब देते हुए सुजैन ने मैसेज डाल दिया जिसमें उन्होंने बॉलीवुड को लेकर विच हंट का तरीका अपनाने वाले को चुप रहने की नसीहत दे दी। वहीं आपको जानकारी बता दूं कि शशि थरूर से लेकर पूजा भट्ट तक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए शाहरुख खान और उनके परिवार को सपोर्ट किया जा रहा है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग उनके घर भी गए थे, जिसमें सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री शाहरुख खान के घर आने वाले में सबसे पहले थी। इनके साथ ही संजय कपूर की बीवी महीप और सोहेल खान की बीवी सीमा भी शाहरुख खान के परिवार से मिले थे। बहुत से लोग आगे आकर शाहरुख खान के इस परिवार को इस मौके पर सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस अवसर को यूज करते हुए सेलिब्रिटीज को पेरेंटिंग की सीख देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कई लोग आर्यन के प्रोफाइल पर कमेंट कर रहे हैं, वाओ, ही इज अ नाइस गाय, सो क्यूट, और आर्यन तुम अच्छे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। कईयों ने तो ये भी कमेंट किया कि फूक लिया गांजा, जरा और फूक लेते, एटसेट्रा एटसेट्रा और एटसेट्रा। अब भाई जरा यहाँ आप सूरत छोड़िए और जरा मामले को देख लीजिए। अब अगर बाप विमल का प्रचार करे और बेटा गांजा फूके, क्या ही बड़ी बात है। अब भाई यहाँ बाप बायजूस से बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्ञान देते हैं और अपने बेटे को ही चर्सी बना दे, वाह वही वाह। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पक्ष में द लॉलीपॉप्स के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहे द लॉलीपॉप्स। धन्यवाद।